Hello everyone, this is Dr. Sahil Roy and welcome back to AU Commerce Scholar. Today's topic is what is monopsony and features of monopsony. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि monopsony का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो किसी भी एक मार्केट फॉर्म को monopsony की कैटेगरी में ले आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। What is monopsony? जी हाँ दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है और यहाँ पे पहली लाइन में कहा जा रहा है कि monopsony is the mirror image of monopoly. तो जो monopsony है वो monopoly का mirror image है। कैसे? अगली लाइन में mention है। अगली लाइन में कहा जा रहा है कि while monopoly refers to the single seller of a commodity, monopsony refers to the single buyer of a commodity. जैसा कि इन्होंने कहा, मोनोपोली जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का सिंगल सेलर होता है या सिंगल प्रोड्यूसर होता है, वैसे ही मोनोपसोनी किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का सिंगल बायर होता है। तो मोनोपसोनी का मतलब क्या हो गया? मोनोपसोनी का मतलब हो गया सिंगल बायर, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सेलर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन बायर एक है, वो है मोनोपसोनी। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोपसोनी की डेफिनेशन दी गई है और मोनोपसोनी की डेफिनेशन है कि मोनोपसोनी कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन where there is a single buyer of the product who is not in competition with the other buyers for the product which it purchases and in which the entry into the market by the other buyers is impossible. मतलब monopsony को define किया जाता है एक ऐसा market situation जहां पे वो एक single buyer है किसी भी एक particular product का, मतलब goods या services का, जो किसी दूसरे बायर के साथ कंपटीशन में नहीं है सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, क्योंकि दूसरा कोई बायर उस प्रोडक्ट को परचेज करता ही नहीं है, मतलब कर ही नहीं सकता, क्या करेगा खरीद करके। एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट खरीदती है फाइटर प्लेन्स, ठीक है, तो वो देश की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट खरीद रही है, बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट अकेली बायर है अलग अलग कंपनी से फाइटर प्लेन खरीदने के लिए। आप बात समझ रहे हैं, जेट फाइटर्स जो हो गए, लेकिन कोई एक इंडिविजुअल पहली बात तो खरीद नहीं सकता, और खरीद के करेगा क्या, उसको छत पे तो सजा के रखेगा नहीं इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके। तो गवर्नमेंट ने दूसरे को अलाउ ही नहीं किया, गवर्नमेंट तो खुद कभी बहुत मेहनत से बड़ी मुश्किल से खरीद पाती है, तो वो बड़ी मेहनत से खुद खरीद करके अपने पास रख रही है लेकिन दूसरे लोग खरीदेंगे नहीं, देयर इज नो बायर। तो जब बायर नहीं है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई बायर्स में कॉम्पिटिशन नहीं है। तो मोनोपसोनी डिफाइन किया जा रहा है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एक सिंगल बायर है किसी भी एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है दूसरे बायर से सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और जहां पे मार्केट में बाकी बायर्स की एंट्री इम्पॉसिबल है, मतलब एंट्री ही नहीं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दस मोनोपोली रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो मोनोपोली एक सिचुएशन है जहां पे किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस का सिंगल बायर मौजूद है। इसके आगे कहा जा रहा है इट अप्लाइज टू एनी सिचुएशन इन विच There is monopoly element in buying. तो ये किसी भी सिचुएशन को अप्लाई किया जा सकता है जहां पे खरीदने में मोनोपोली की सिचुएशन है। ठीक है, खरीदने के लिए मोनोपोली का एलिमेंट है या कंडीशन है, तो गवर्नमेंट अकेले खरीद रही है तो खरीदने का मोनोपोली हो गया, तो उसे मोनोपसोनिस्ट कंसिडर किया गया। आगे कहा जा रहा है द सिंगल बायर इज कॉल्ड मोनोपसोनिस्ट। तो जैसे सिंगल सेलर को या सिंगल प्रोड्यूसर को हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं, वैसे ही सिंगल बायर को हम मोनोपसोनिस्ट कंसिडर करते हैं। आगे कहा जा रहा है दो मोनोपसोनिस्ट आर रिलेटिवली रेयर, दे डू एग्जिस्ट। ठीक है, मोनोपसोनिस्ट बहुत रेयर होते हैं लेकिन हाँ आज के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते हैं, वो मौजूद हैं। ठीक है, आगे इन्होंने कहा फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट इज अ मोनोपसोनिस्ट इन द मार्केट वाइल परचेजिंग वेराइटी ऑफ गुड्स फॉर डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, दीज डिफेंस रिलेटेड गुड्स आर डिमांडेड ओनली बाय वन बायर दैट इज द गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि मोनोपोलिस्ट गवर्नमेंट है बहुत सारी चीजों के लिए, जिसमें डिफेंस से रिलेटेड चीजें भी होती हैं, देश की सुरक्षा से रिलेटेड चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो देश की सुरक्षा से रिलेटेड चीजों के लिए जो बायर हो सरकार ही है, तो मोनोपसोनिस्ट गवर्नमेंट हो गई। आगे इन्होंने कहा सिमिलरली जो मारुति उद्योग लिमिटेड है मे बी द सोल बायर ऑफ सम स्पेशलाइज्ड कार कंपोनेंट्स और द पार्ट्स सच एज रेडिएटर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्मॉल लोकल फर्म्स सेट अप एक्सक्लूसिवली टू प्रोड्यूस दीज कॉम्पोनेंट्स और पार्ट्स। आप समझ रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मोनोपसोनी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो इन्होंने बोला कि ढेर सारे लोकल फर्म्स हैं छोटे स्केल के, जो मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए स्पेशलाइज्ड कार कंपोनेंट्स बना रहे हैं। जैसे मारुति कार के नए नए डिजाइन आते हैं, नए नए कंपोनेंट्स चाहिए, नए नए उनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो ये छोटे छोटे फर्म्स उनको बना बना करके प्रोवाइड कराते हैं। तो खरीदने वाला कौन है, इकलौती एक फर्म है जो है मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी है, तो ये मोनोपसोनिस की कैटेगरी में आ गया। आगे एक और एग्जांपल दिया है, लाइकवाइज इन सम लेबर मार्केट्स अ सिंगल फर्म मे बी क्लोज टू अ मोनोपसोनिस्ट।
ठीक है, तो लेबर मार्केट में ढेर सारे लेबर्स हैं, अलग अलग टाइप्स के लेबर्स हैं, अलग अलग काम, कोई पेंटर है तो पेंटिंग का काम करता है, कोई घर बनाने वाला मजदूर है, तो लेबर बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन उनको हायर करने वाला अगर एक ही फॉर्म है जो उनको हायर करके अलग अलग काम करवाए, तो हायर करने वाला एक फॉर्म है, तो वो फॉर्म अकेले मोनोपसोनिस्ट कंसिडर किया जाएगा। लास्ट में कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर मोनोपसोनी इन द लेबर मार्केट देर इज अ सिंगल बायर ऑफ द लेबर सर्विसेज हु फेसेस लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपसोनी। मोनोपसोनी के बारे में पांच फीचर्स कहे गए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे पहला सिंगल बायर, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तीसरा है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट, चौथा है लैक ऑफ मोबिलिटी और पांचवा है प्राइस मेकर। आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला फीचर है सिंगल बायर। तो सिंगल बायर में कहा जा रहा है मोनोपसोनी इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ओनली वन बायर ऑफ अ कमोडिटी सर्विस और इनपुट। तो मोनोपसोनी एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे एक सिंगल बायर है किसी भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का, सर्विस का या इनपुट का। इट इज अ केस ऑफ ओनली वन फर्म परचेजिंग द एंटायर प्रोडक्ट और फैक्टर सर्विस। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर है या ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक फर्म पूरा का पूरा एंटायर प्रोडक्ट रेंज खरीद ले रहा है या पूरी की पूरी सर्विसेज को खरीद ले रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे फीचर की जो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो इन्होंने कहा है कि व्हाइल देयर इज वन बायर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और सप्लायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और फैक्टर सर्विस। तो इन्होंने बोला क्योंकि वहां पे एक बायर है, बायर एक ही, तो क्या हुआ सेलर्स बहुत सारे हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स या सप्लायर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट या फैक्टर सर्विस। तो ढेर सारे सेलर्स हैं लेकिन खरीदने वाला एक है मोनोपसोनी की कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल इन अ मोनोपसोनी लेबर मार्केट अ सिंगल एम्प्लॉयर फेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मोनोपसोनी लेबर मार्केट में एक सिंगल एम्प्लॉयर है जो ढेर सारे लेबर वर्कर्स को फेस करता है। तीसरा फीचर है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट। इन्होंने बोला एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपसोनी इज दैट द सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस आर सप्लाइंग अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट टू द मोनोपसोनिस्ट विच के नॉट बी यूज बाय एनी अदर फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने बोला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है मोनोपसोनी का वो ये है कि जो बायर है उसके हिसाब से सप्लायर्स प्रोडक्ट बना करके उसे बेच रहे हैं। एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपसोनी इज दैट जो सप्लायर है प्रोडक्ट के या सर्विस के वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसा मोनोपसोनिस्ट को जरूरत है, जिसे और कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जो रेडिएटर सप्लाई की जा रही है मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा, वो मारुति कार के लिए ही है, उसे ह्यूंडई या होंडा की कार में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपने डिजाइन के हिसाब से बना रहे हो, तो ये स्पेशलाइज्ड है जैसे कोई दूसरा यूज ही नहीं कर सकता। अगला है हमारा पॉइंट नंबर फोर, दैट इज लैक ऑफ मोबिलिटी। लैक ऑफ मोबिलिटी में पहला कहा जा रहा है इन केस ऑफ लेबर मार्केट मोनोपसोनी कैन इमर्ज ओनली इफ देर इज लैक ऑफ ज्योग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। इन्होंने बोला कि लेबर मार्केट में मोनोपसोनी इमर्ज हो सकता है, कैन इमर्ज, तभी इमर्ज हो सकता है जब ज्योग्राफिकल या ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं है, तभी ये अवेलेबिलिटी होती है। अगर वर्कर्स जो हैं वो मोबाइल है, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। इफ द वर्कर्स आर मोबाइल सो दैट दे कैन मूव टू प्लेसेस और इंडस्ट्रीज वेयर वेजेस आर हायर देन इन द मोनोपसोनिस्ट लेबर मार्केट द मोनोपसोनी विल ब्रेक डाउन बिकॉज द मोनोपसोनिस्ट विल नो लॉन्गर बी द सोल बायर ऑफ द लेबर सर्विस। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर एक लेबर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी एक जगह काम करना, तो एक जगह जब वो काम कर रहा है, ढेर सारे लेबर्स एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो जो फॉर्म हो गया वो मोनोपसोनी हो गया। लेकिन अगर लेबर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाए कि वो कहीं पे भी जा करके कहीं पे भी काम कर सकता है, तो फिर वहां पे एक मोनोपसोनी की कंडीशन खत्म हो गई ना, क्योंकि वहां पे तो उसके पास ढेर सारे बायर्स हो गए जो उसकी सर्विसेज, लेबर की सर्विसेज को खरीद सकते हैं। आगे कह रहे हैं बट इफ पीपल आर इमोशनली अटैच टू अ गिवन लोकेलिटी बिकॉज ऑफ फैमिली टाइज फ्रेंड्स एक्सेट्रा एंड आर अनविलिंग टू मूव टू अदर एरियाज मोनोपसोनी विल परसिस्ट। इन्होंने बोला क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट है अपनी लोकेलिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, तो इंसान फिर कहीं जाता नहीं, वहीं रह करके अपना काम करता है, तो वहां पे मोनोपसोनी की कंडीशन अराइज हो जाती है। हमारा अगला फीचर है प्राइस मेकर। इन्होंने कहा जस्ट एज अ मोनोपोलिस्ट is able to influence the price of the product by changing the quantity it offers for sale. In the same way, the monopsonist is able to influence the price at which it buys the product or input. इन्होंने कहा कि जैसे monopolist, monopolist का मतलब single seller या single producer,
प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ा घटा करके, वैसे ही जो मोनोपसोनिस्ट होता है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो भी वो प्रोडक्ट या इनपुट खरीद रहा है उसकी मतलब जो परचेज है उसको बढ़ा घटा करके, ठीक है। अगर वो ज्यादा परचेज कर लेगा, ज्यादा परचेज के लिए मांगता है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर क्वांटिटी कम मांगेगा तो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। द मोनोपसोनिस्ट कैन ऑफर एनी प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और इनपुट इट बाइज, एंड सप्लायर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट मस्ट आइदर एक्सेप्ट द प्राइस और स्टॉप सप्लाइंग टू द मोनोपसोनिस्ट। आप समझ रहे हैं, जो मोनोपसोनिस्ट है वो कोई भी ऑफर प्राइस दे सकता है, तो ये सप्लायर के ऊपर डिपेंड है कि वो बेचे या ना बेचे। फॉर इंस्टेंस, अ मोनोपसोनिस्ट इन सम लेबर मार्केट कैन ऑफर एनी वेज रेट इट चूजेस, एंड द वर्कर्स मस्ट आइदर वर्क फॉर एट दैट वेज रेट और मूव टू अदर मार्केट्स, दैट इज चेंज ऑक्यूपेशन और लोकेशन। सब समझ रहे हैं। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ मोनोपसोनिक। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोपसोनिक कहते किसको हैं और उसके सारे फीचर्स क्या हैं। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।